अब हमारे साथ मनीष चौरसिया जुड़ चुके हैं। मनीष, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अभी क्या जानकारी आप दर्शकों तक साझा करेंगे, कितने परसेंटेज अगर हम बात कर लें बच्चों के पास होने की अगर संख्या की, तो क्या कुछ परसेंटेज आपको मिल रहा है, क्या डेटा है, क्या आंकड़े? दसवीं बारहवीं सब जगह टॉप बच्चों की अगर बात करें तो वो कहां से आते हैं, जो भी डिटेल्स हो आप दर्शकों को बताएं। मनीष, देखिए मेरे साथ ऑल द टॉपर्स हैं, अपना तो सेकंड रैंक जी। तो आपने सुने, आपकी तैयारी कैसी रही, आपकी कितने परसेंट मार्क्स आए? हाँ जी, मेरे 499 आउट ऑफ 500 आए। मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड इको एंड मैथ्स। हाँ, उम्मीद थी कि सेकंड रैंक आ जाएगी, किस तरह से तैयारी की, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हाँ जी, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि इतने नंबर आ जाएंगे। पढ़ाई के मामले में हमारे स्कूल का कांस्टेंट सपोर्ट रहा है, हमारे एमिटी, पूरी एमिटी की फैकल्टी, चेयरपर्सन, प्रिंसिपल से लेकर टीचर्स एंड एवरीवन। ठीक है, पूर्णिमा जो हमारे साथ में है, पूर्णिमा की थर्ड रैंक है और इंडिया। पूर्णिमा, तैयारी कैसे रही और रिजल्ट जब आया सबसे पहले किसको बताया? हम पहले तो मतलब मैम का फोन आया, मुझे तो पता भी नहीं था कि रिजल्ट आया। देन सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो उन्हें लाइक आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ गए थे खुशी के मारे, तो वो बहुत ही प्रेशियस मोमेंट था। अभी क्या करना है आगे, तैयारी किस चीज कर रहे हैं? अभी तो मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं सीए का भी प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके लिए फाउंडेशन एग्जाम है नवंबर में, तो उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी और टाइम टेबल कैसा था, रूटीन कैसा था? देखिए काफी टाइम लाइक एक दो महीने थे प्रिपरेशन के लिए, तो ऑन एन एवरेज लाइक अराउंड 4 to 5 hours में डेली करती थी एंड बीच बीच में थोड़ा ब्रेक के लिए फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह, तो हॉबीज वगैरह तो उनको भी परस्यू करती थी मैं। सॉरी, क्या कर रहे हैं आगे, क्या प्लानिंग है? मेरे को इको ऑनर्स करना है, इसलिए मैं भी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रही हूं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, कितना कुछ छोड़ना पड़ा इस एग्जाम की तैयारी के लिए, इस एग्जाम के लिए? मुझे कुछ ज्यादा नहीं छोड़ना पड़ा, इतना मेरे को बैलेंस करना इतने सालों बाद आ ही गया है कि सोशल लाइफ और पढ़ाई साथ साथ हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। क्या प्लान, क्या सोच रहा है कि क्या करना है देश के लिए? देश के लिए मेरा तो मतलब जैसे मैंने बताया कि सीए करना है, तो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और अपने प्रोफेशन में जो भी करना है अपना बेस्ट करना है। ठीक है, तो ये तमाम बच्चे हैं जिनको आप सुन रहे हैं अपनी बातों से, अपनी इंस्पिरेशन से, और बात ये कह रहे हैं कि अब स्कूल में तो नाम रोशन कर लिया है लेकिन आगे जाना है। जी बिल्कुल मनीष, निश्चित तौर पर आगे जाना है और ये बच्चे ही देश के भविष्य हैं। और देखिए मनीष, अपने आप में तो चौंकाता है कि 500 नंबर में 499 अंक ये लेकर आते हैं। इतने तो कई सब्जेक्ट को मिला लें हम लोग, और कई ईयर के जो परीक्षा होते हैं उनके मार्क्स को मिला लें उतना तब भी नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग कहते हैं, खुद उनमें से हम लोग उसमें शामिल रहे हैं। लेकिन अभी इनसे और आप विस्तार से आप बात कर सकते हैं, इनकी हॉबी क्या है और ये कितने घंटे पढ़ाई पर वक्त देते हैं, माता पिता और स्कूल के जो शिक्षक हैं वो कितना कोऑपरेट करते हैं, क्या ये ट्यूशन भी करते हैं या फिर खुद सेल्फ स्टडीज पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि इनसे जानना इसलिए जरूरी है कि जो बाकी बच्चे हैं वो मोटिवेट हो सकें। बताएं। देखिए सारे सवाल ठीक है, लेकिन अब इस वक्त जो टाइम है वो सेलिब्रेशन का है, बच्चे अब फोटो खींचने बैठ चुके हैं, तमाम फोटोग्राफर रेडी हैं, दरवाजे तैयार हैं, तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, व्यक्ति का साइन है, चेहरे पे स्माइल है और आगे के लिए इंस्पायर्ड है कि आगे जाना है, अभी स्कूल का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन करना है। और सबसे अच्छी बात की बच्चे बहुत ही क्लियर थे, ये कहना है कि कोई भी चीज इन्हें छोड़नी नहीं पड़ी कुछ भी, कि हमने सोशल लाइफ और पढ़ाई के बीच में एक बैलेंस बनाया। पेरेंट्स हमारे साथ में है जिन्होंने पूरी जर्नी की बच्चों की क्या नाम की बेटी का, मेरी बेटी गुप्ता है और उसने कॉमर्स स्ट्रीम में एमिटी में टॉप किया है। हाँ जी, क्या सोचा था, पढ़ाई कर रही है, मुझे 100 की उम्मीद थी, 2 नंबर में मुझे लग रहा है शायद टोटलिंग में कहीं मिस्टेक हुई है इसलिए कट गई है। हाँ जी, तो मेरी बेटी हर चीज को पूरा टाइम देती थी, मेडिटेशन भी करती है, गेम्स में जॉगिंग, साइकिलिंग उसको भी करती है, स्विमिंग भी परस्यू करती है, तो आई थिंक लगता है कि इसमें और मतलब मेडिटेशन में ठाकुर भाव, ईश्वरी भाव और सब चीजों का रोल रहता है,
मैं अपना क्या कहूँ, हमने तो पूरा हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट नहीं, यही मेरा सवाल था कि माँ के सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, कितनी रातें यहाँ जगी है उसके साथ। देखिए मैं अपना टाइम से खाना बना के उसको दे देती थी, 9 बजे मेरा टाइम रहता है, उसके बाद मुझे नहीं जगना पड़ता था। क्या उसके बाद वो अपने आप मेहनत कर लेती थी, वो 11 बजे का उसका टाइम है, लास्ट 11 बजे सो जाती थी और सुबह जल्दी उठती है। खैर वो लेट उठने वालों में से नहीं है, जो रात को पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से ये नहीं है। और मैं यही कहूंगी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को ज्यादा पढ़ाई करने से दिमाग पे और हमारा नर्वस सिस्टम वगैरह इतना काम नहीं करता। क्रेडिट आप किसको देती है, खुद को तो आप दे ही रही है, अपने आप किसको देती है? उनके फादर। अच्छा, कैसे? फादर को, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। और उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया है हमेशा, कभी मोबाइल यूज करते थे तब भी बोला है कि वो मोबाइल कम यूज करें, तो मेरी बेटी हमेशा मोबाइल को ऑफ कर देती थी और फेसबुक पे तो वो है ही नहीं और इंस्टा पे भी अब आई है जाके। जबकि 4-4 साल पहले बच्चे आ गए थे सोशल मीडिया पे, मेरी बेटी अब प्लस टू में आई है जाके। हमारे साथ सुहाने की माँ भी है। मैम किस तरह की जर्नी आपने देखी उसकी, कितनी मेहनत, कितनी रातें जगना, दिन रात देख कर देना? It's a very easy thing actually. You are very organized in your study pattern. It doesn't give you any tensions or anything. She's been always very consistent all throughout her. So it, and the support of the school has also been very incredible. And her study pattern, her study plan has always been very helpful. हर माँ बाप का, हर माँ बाप का एक सपना होता है, आपका सपना क्या है, क्या करें? बेटा जी she wants to do economic honors from Delhi University and hopefully देखिए CUET examination दिया है, आगे क्या होता है देखिए। क्रेडिट किसे देंगी आप उसके लिए, इतने अच्छे मार्क्स के लिए? Her good planning, her study pattern, she's always been a very good student and of course the school has been very supportive. Despite the COVID years and last 2 years, they have not come to school at all. But the school always has always been very supportive and very all the teachers are always there. उसको boost up करने के लिए, उसका mind fresh रखने के लिए क्या करती थी आप, या खुद क्या करती है? She watches ऐसा कुछ नहीं, कुछ छोड़ देती है वो, सभी कुछ करती है, टीवी भी देखती है, बाहर भी जाती है, पिक्चर भी देखती है, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज भी करती है, आर्ट क्राफ्ट में उसका बहुत इंटरेस्ट है, उसका कैलीग्राफी बहुत अच्छा करती है, एंड इट्स ऑलवेज बीन एवरीथिंग टुगेदर।